नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हरिद्वार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर विजयपाल बघेल की अगुवाई में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार वन विभाग के द्वारा बनाए गए नगर वन में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अपने पूर्वजों के नाम से फलदार पेड़ लगाए। वहीं आपको बता दें कि विजयपाल बघेल ने कहा कि अपने पूर्वजों के नाम से पेड़ लगाने की परंपरा इसलिए शुरू की गई है कि लोग अपने पूर्वजों के साथ साथ पेड़ों के साथ आत्मीय रिश्ता कायम रखें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सके। वहीं समाज सेवियों ने सरकार से मांग की है कि पूर्वजों के नाम से पेड़ लगाने की प्रथा अन्य राज्यों में भी शुरू की जाए। दिवंगत आत्मा है, उनके नाम से, उनके डीएनए के साथ, उनके जो अस्थि है उसके अंशों के साथ हम यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं। और आज सोमवार के दिन, क्योंकि श्रावण मास का सोमवार है, और बिल्व के वृक्ष हमारे चार जो हमारे पित्य आत्मा हैं उन आत्माओं के नाम से यहाँ पौधारोपण उनके परिजनों ने किया है। और ये एक हमारे जीवंत पित्र आत्मा के रूप में हमारे सामने स्थापित हो रहे हैं। इनका यहाँ इनका रोपण करने से एक ये है कि एक तो पौधारोपण को बल मिलेगा, दूसरा पेड़ों के साथ हमारा आत्मीय रिश्ता भी कायम होगा। आरोपण हमेशा दीर्घकाल तक सदैव हमारे सामने उपस्थित रहेगा और इस बहाने हमारा एक आत्मीय रिश्ता अपने पूर्वजों के साथ बना रहेगा। और ये न सिर्फ हमारा भावनात्मक संबंध स्थापित करेगा, ये हम वृक्षारोपण करके इस प्रकृति को भी बहुत बढ़िया संदेश देना चाहते हैं कि ये न सिर्फ हरिद्वार में, प्रत्येक शहर में ये व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, जिससे कि हम वृक्षारोपण को भली भांति फलता फूलता देखें। और जिन परिवारों के द्वारा ये स्थापित किया गया है वो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे। अब खबर जोशीमठ से है, जहां पंचम केदार कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली मुख्य सड़क बीते 15 से 20 दिनों से भारी लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों पर बाधित हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खाद्यान्न सामग्री आपूर्ति का भी संकट पैदा हो चुका है। किसानों के खेतों में आजकल कई प्रकार की फसल पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सड़क बाधित होने के चलते किसान भी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार और स्थानीय ग्रामीणों ने जोशीमठ की उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को इस समस्या से लेकर जो है ज्ञापन भी सौंपा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 3 दिनों के बाद घाटी के लोग और घाटी के जनप्रतिनिधि जोशीमठ के तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। बीस दिन से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से जहां पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं ध्यान बद्री को जाने वाले पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम प्रकार के खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है और गैस तथा अन्य दैनिक रोजमर्रा की सामग्री भी खत्म हो चुकी है। यदि जल्द ही उक्त मोटर मार्ग को नहीं खोला गया तो ग्रामीणों के सामने खाद्यान्न की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यार रोड काटना हुआ ना, यार पूरी मकान पर ही दरार गई, पूरी मकान ना ऐच भी पूरा रोड कटिंग से पूरा मकान पर दरार गई, भीतर पूरा पानी, छत भीतर पूरा पानी है। और पूरा यह रोड हुआ ना यार पूरी क्षति हुई। देखिए, हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पिछले 15 दिन से बंद है और जिसमें हमारे घाटी के जनप्रतिनिधि सड़क बंद हुई, उसके बाद एसडीएम जोशीमठ से मुलाकात की और हमने कहा कि सड़क को जल्दी खोले जाए, लेकिन आज 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी हेलंग उर्गम मोटर मार्ग नहीं खुल पाई है, जिसके कारण आज उर्गम घाटी के ग्रामीणों को खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। लोगों के पास खाने की सामग्रियां नहीं रह गई है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास सिलेंडर नहीं है, तो धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इसलिए आज माननीय प्रमुख जी ने एसडीएम जोशीमठ को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 3 दिन का समय विभाग की एमजेसवाई पोखरी को और तहसील प्रशासन को दिया है। अगर आने वाले 3 दिन में भी अगर सड़क नहीं खुल पाती है तो समस्त घाटी के लोग और घाटी के जनप्रतिनिधि 1 दिवसीय धरना हम जोशीमठ के अंदर देंगे और तहसील घेराव करेंगे।
पीएम जयसवाई पोखरी बहुत ही निराशाजनक कार्य कर रही है। अभी भी इन्होंने पर्याप्त संसाधन अभी सड़क खोलने के लिए यहाँ पे नहीं लगाए हैं, जिसकी हम चलिए अब सीधा रुख करते हैं नई दिल्ली का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उनके द्वारा शिरकत की गई। कोई इंडस्ट्री लीडर के साथ आज ये जो हमारी इंडस्ट्रियल समिट हो रही है, इन्वेस्ट समिट, इस समिट का पहला जो कार्यक्रम उत्तराखंड से बाहर हुआ है वो आप सब लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री डॉक्टर एस एस संधु जी, सभी हमारे अधिकारीगण, विभिन्न उद्योग समूह से, व्यापार समूह से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार और उत्साहजनक बातें यहाँ करी हैं। विवेक जी ने बहुत शानदार इनका सबका संयोजन किया, सबको एक एक करके यहाँ पर सबके विचार हम सब लोगों के सामने रखे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही मैं कहूँ उन्मुक्त कंठ से चर्चा की है और बहुत सारे आपने सुझाव भी दिए हैं। और आप सब लोगों से मिलने से पहले कुछ लोगों से हम लोगों ने 1-to-1 भी बात की है, उनके भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं। क्योंकि ये जो हमने शुरुआत की है इसके पीछे हेतु है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री समूह को भारत के अंदर निवेश करने के लिए अनेकों प्रकार से चीजों को सरलीकृत कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया में हमने भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का लक्ष्य रखा है, उसके अंतर्गत ये समिट 2023 जिसके बारे में बहुत विस्तार से यहां से हमारे सभी अधिकारियों ने यहां से आप सब लोगों के सामने सारी बात बताई कि उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है और किस किस प्रकार की हम लोगों ने सुविधाओं को किया है। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 दिसंबर माह में हमने आयोजित करने का ऐसा विचार किया है। और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के बारे में, सभी लोग जानते हैं, अच्छी बात आपने करी कि अभी तक तो केवल जो है तीर्थ यात्रा के लिए, पर्यटन के लिए इसी रूप में जानते थे, लेकिन अब इसको जो है इंडस्ट्री के रूप में भी, वैसे 2003 के बाद उत्तराखंड में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, तेजी से इंडस्ट्री आई और इसका इसके लिए मैं हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य के लिए जो स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज था वो पैकेज दिया, उसके कारण से बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री आई और हमारे यहाँ 3-4 बड़े इंडस्ट्री के बड़े पार्क बने, पंतनगर में बना, सितारगंज में बना, सेलाकुई में बना, हरिद्वार में हमारे जो हरिद्वार में बहुत बड़े क्षेत्र में बना। उस अभी हमने जो लक्ष्य लिया है उसमें जो अभी तक जितनी इंडस्ट्री लग गई है, जितनी लैंड पर अभी तक इंडस्ट्री लगी है उतनी ही लैंड और हमने खोजी है, लगभग 6000 एकड़ तक अभी तक लैंड बैंक बन गया है और उस लैंड बैंक में जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, बहुत सारी पॉलिसियों के बारे में बहुत सारे नए नए अमेंडमेंट्स किए हैं, बहुत सारे ऐसे जो अधिनियम हैं जो बेफालतू के हैं, जो ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ बिजनेस में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करते हैं, उन सभी को हटाया भी है और आज उत्तराखंड में एक अच्छा माहौल, एक सकारात्मक माहौल, एक पॉजिटिविटी पूरे देश के लोगों की बनी है और तेजी से विकास करने वाले राज्यों में उत्तराखंड राज्य भी शामिल हुआ है। क्योंकि इसके पीछे हमने
लगातार जो हमारी सोच है कि इंडस्ट्री के साथ हम लोग फ्रेंडली रहें, मित्रतापूर्वक रहें, और उसको लेकर 2021 में जब मैं इस जिम्मेदारी पर आया और मेरे साथ डॉक्टर संधू साहब, ये भी चीफ सेक्रेटरी, वहां पर चीफ सेक्रेटरी के रूप में आपने काम करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले आप भारत सरकार में बहुत सारे विभागों में आपने काम किया है। आप NHAI के चेयरमैन के नाते काम करते थे, उससे पहले HRD मिनिस्ट्री में काम करते थे, और फिर उत्तराखंड में जब काम करना शुरू किया तो हमने पहले दिन से इस बात की शुरुआत करी कि हम जितने भी हमारे इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं उन सबके साथ हम संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, परस्पर उनसे बात करेंगे। जैसा उनियाल जी आप कह रहे थे कि माहौल बनाए हैं, क्योंकि आपका काम आलोचना करना है, लेकिन आपने इतने बढ़िया तरीके से आपने सबके सामने रखा कि अब माहौल बन रहा है। मैं आभारी हूं आपका कि आपने हमारी पहल को लोगों के सामने एक ऐसे रूप में क्लिक किया कि मुझे लगता है कि आपकी बात क्लिक जरूर हुई होगी। वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी, सभी ने सब बातें और बड़ा उत्साह भी आप लोगों में दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हेतु था कि हम सबके साथ बात करें। यहां आज भी आप चूंकि लीडर हैं सारे अपने अपने समूह के, कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी का है, कोई किसी समूह का है, सभी लोगों को इसीलिए हमने आमंत्रित किया कि हम जितने भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जितनी हम पॉलिसी ला रहे हैं, जितना हम चीजों को सरल बना रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम, हाँ अभी भी बहुत सारी जगह पर मैं मानता हूं कि अभी परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, लेकिन हमने शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत हमने अक्टूबर 2021 से करी, और हमको इंडस्ट्री समूह के लोगों ने जितनी परेशानियां या जितना समस्याओं के बारे में बताया, 4 महीने में ही हमने उनका 90% उनका सॉल्यूशन किया, उनका समाधान किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि एक इंडस्ट्री के लिए और एक सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना, और उनको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर कहा। हमने कहा कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबसे पहले क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में हम आ रहे हैं, लेकिन आपसे पहले आप में से बहुत सारे लोग चूंकि उसमें हमारे यहां सबकी इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री समूह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन अगर जो चलने वाली इंडस्ट्री है हम उसकी चिंता सबसे पहले नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री को लाना थोड़ा कठिन होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, व्यवहारिक बात करूं, तो इसलिए हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया, और उन्होंने उसके बाद इंडस्ट्री समूह के लोगों ने हमारा धन्यवाद करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए, और बहुत जल्दी जल्दी हमने उनके साथ बातें करी हैं, और हर साल में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी जरूरत पड़ती है, हमारे डॉक्टर संधू चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, ये सारे लोग लगातार लोगों के लिए ये कभी इन्होंने कोई बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया है, हमेशा रास्ता खुला रखा है, जिससे कि उनकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आने वाली समस्याएं हैं, आगे उनको किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं, वो लगातार संवाद हो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, उसका समाधान तभी हो सकता है जब लगातार संवाद होता रहे। अभी हमने क्योंकि अनेक जो योजनाएं बनाई हैं उनका सेंट्रिक कोई और नहीं है, उनके सेंट्रिक हमारे निवेशक हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो आएंगे तो वो जहां देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे वहीं राज्य की तरक्की में भी योगदान देंगे, रोजगार भी देंगे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इसलिए उनको सुविधा देना ये हमारा संकल्प भी है, हमारा लक्ष्य भी, हमने लक्ष्य रखा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अच्छी बेहतर योजना बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और साथ ही लगातार जो इस प्रकार की इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बातें हैं उन सबकी मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहे, उसके लिए हमने सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यह भी बनाया है, यह भी जल्दी हमारा उसमें आ जाएगा,
कार्य रूप में जल्दी ही आ जाएगा। और 1250 जो अधिनियम है जिसको हटाने का अभी तक हमने चिन्हित किया है, जिनको मतलब अभी तक किया है, उसमें से लगभग 500 अधिनियमों को सिंगल रिपील एक्ट के माध्यम से अभी तक हटाया भी जा चुका है, जिनके बारे में मैंने अभी पहले भी बताया था। इसके साथ साथ अभी UIDB, चूंकि एक UIDB भी उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसका भी जो है हमने गठन कर लिया है, ये भी जल्दी ही अस्तित्व में आ जाएगा। और इसके अस्तित्व में आने से और भी जो परेशानियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो और आसान होंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये लक्ष्य लिया है कि 2024 से लेकर 2028 के बीच में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उसमें योगदान देने के लिए हमने भी राज्य को सशक्त बनाने के लिए, राज्य की GSDP को दुगना करने के लिए इन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाया है। और जैसे अभी आप लोग ऋषिकेश के बारे में जब हमारे रोहित मीणा पूछ रहे थे तो आप लोगों ने ऋषिकेश का एकदम से नाम लिया। ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, ये हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, देश दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। और इसके बाद लोग कई बार पूछते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा डेस्टिनेशन सबसे अच्छा है, तो मैं अभी एक फिल्म फेयर में गया था, वहां लोगों ने मुझे बुलाया तो कहने लगे कि आप बताइए हम कितने स्थानों पर फिल्म बना सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, कौन कौन से डेस्टिनेशन है। तो मैं सच बताऊं, मैंने उनसे कहा कि उत्तराखंड में आप जिस जगह चले जाइए, इधर चले जाइए तो आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा, उधर चले जाइए डेस्टिनेशन दिखाई देगा, जिधर को आप पैर लगा देंगे, जिधर को आपकी नजर चली जाएगी, वहीं एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ऐसा उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में जन्म लेना, ये तो देखिए जन्म लेना ये आपके ऊपर नहीं है, ये किसी के ऊपर नहीं है कि वो कहां पैदा होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना आपके हाथ में है। और मैं सच बताऊं तो ये पुण्य की भूमि है और ये देव भूमि है, और यहां जन्म लेने से भी अच्छा है कि कर्म करना। इसलिए मैं तो आप सबसे कहूंगा कि इस पवित्र भूमि में आप सब अपना योगदान दे सकते हैं। भगवान ने सबको सक्षम बनाया है, सबको जो है हर प्रकार से ये अवसर दिया है कि वहां जरूर जो है आप किसी न किसी रूप में अपना योगदान करें। और बहुत सारे जहां देखिए आज हमारे यहाँ पर चार धाम हैं, चार धाम के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, माँ गंगा का गौमुख, यमुना जी का, अनेकों नदियां, शारदा जी, महाकाली जी, सरयू, अनेकों नदियां, पर्वतों से आच्छादित और वनों से आच्छादित, जिधर देखिए आप 71% अभी जो हमारी लैंड है टोटल स्टेट की, उसमें से 71% जो है आज फॉरेस्ट है। और समूची दुनिया को कहीं ना कहीं अच्छी वायु देने का काम, अच्छा पर्यावरण देने का काम, और टिहरी डैम, गंगा, यमुना जैसी हमारी अनेकों नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, वो सभी को जहां पेयजल भी देती हैं, सींचने का काम भी देती है, शुद्ध वायु देने का भी काम करती है। तो ये भूमि उत्तराखंड ही है। इसके साथ साथ जहां चार धाम, आप लोग चार धाम के बारे में जानते हैं, चार धाम हमारे हैं और चार धामों में बहुत काम हो रहा है इस समय। पहले आपका वहां जाना इतना कठिन था कि लोग जा नहीं पाते थे, क्योंकि बड़ी कठिन यात्रा होती थी, सड़कें भी बड़ी खराब होती थी। आज जैसा डॉक्टर सिंधु साहब ने यहां से बताया आपको कि कुछ ही समय बाद आप 2 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे, 2 ही घंटे में आप ऋषिकेश भी पहुंच जाएंगे, और ऋषिकेश पहुंच जाएंगे तो ऋषिकेश से आप बद्रीनाथ का पहुंच गए आपको पता भी नहीं लगेगा। पहले ये यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी, अब ये कुछ घंटों की यात्रा हो गई है। जहां चार धाम में केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम, आप सबको पता है कि नया केदार बन गया है, 2013 की जो आपदा आई थी उस आपदा में बहुत नुकसान हो गया, पूरा का पूरा वो परिसर पूरा बुरी तरह से जो है प्रभावित हो गया था। अभी नया केदार बन गया है, इस साल दिसंबर माह तक हमने उसका लक्ष्य लिया है कि
पूरा जो भी काम है उसका अधिकांश काम हम कर लेंगे। बद्रीनाथ पर मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और हेमकुंड साहब जहां की यात्रा अत्यधिक कठिन है, 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए और कठिन होती है, जिनका शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है उनके लिए और कठिन होती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने वहां के लिए रोप वे की व्यवस्था कर दी है। आने वाले समय में वहां रोप वे लग जाएगा, उसकी शिलान्यास हो गया है उसका, केदारनाथ जाने के लिए भी और हेमकुंड जाने के लिए भी। तो दोनों ही जगह जहां चार धाम, चाहे हमारे हेमकुंड साहब, सारा इस पर जो है सब जगह व्यवस्था हो गई। उसी प्रकार से एक बड़ा जैसे बाबा केदार की भूमि को कहते हैं एक केदारखंड, और उसी प्रकार से कैलाश की भूमि, कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश, उस भूमि को कहते हैं मानसखंड। उस मानसखंड में भी एक से एक आपके मंदिर हैं। अगर हम उसकी बात करें तो पूरा क्षेत्र एक सर्किट है, उसमें अनेकों अनेक अच्छे एक से एक मंदिर है। आपने बाबा नीम करोरी बाबा का नाम सभी ने सुना होगा, और कैंची धाम हल्द्वानी के पास में, पूर्णागिरी मैया का एक हमारा बड़ा सिद्ध धाम जहां पर एक साल में 35 लाख से भी ज्यादा लोग एक ही स्थान पर जाते हैं, महाकाली का स्थान, गोलजू का स्थान, जागेश्वर धाम, अनेकों जिधर को देखेंगे तो आप कहीं जो है नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, इसी प्रकार से देवों से भी आच्छादित है, इसीलिए वो देवभूमि है। तो जिधर जाएंगे आप उधर देवभूमि आपको दिखाई देगी। तो उसको भी हम लोगों ने एक मानसखंड मंदिर माना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।